एक बार की बात है, गौतम ऋषि, गौतम ऋषि ने इनको प्रकट किया है। किसने कहा? गौतम ऋषि ने प्रकट किया है। अच्छा, कैसे प्रकट किया? कहा एक बार ऋषियों में आपस में बड़ी ही खटपट होती है, ये सबके साथ विडंबना है, चाहे वो ऋषि हो, महात्मा हो, कोई पुरुष हो, स्त्री हो, चाहे कोई किसी भी साधन में हो, वो हर व्यक्ति को परेशानी यही है कि ये आगे क्यों बढ़ रहा है। अरे भैया, सीधी सी बात है, वो अपना धर्म कर रहा है, वो अपने लक्ष्य के लिए अग्रसर होता हुआ चला जा रहा है, वो मेहनत करता हुआ चला जा रहा है। आप मेहनत करोगे तो आप भी बढ़ोगे। अब जलने से तो कुछ होने वाला नहीं है। तो आज इन्हें गौतम ऋषि बड़े तेजमान, बड़ी उपासना करें, और जब उपासना करी इन्हें तो कुछ ऋषियों को अच्छा नहीं लगा, और जब कुछ ऋषियों को अच्छा नहीं लगा तो कहते हैं कि गौतम ऋषि को नीचा दिखाया जाए तो कैसे। विचार किया, और विचार करने के बाद इन्होंने गणेश जी से प्रार्थना करी। हे गणेश, तुम, हे गणेश, आपसे हम प्रार्थना करते हैं, और प्रार्थना ऐसी है आपसे कि आप जाकर गाय बन जाओ। क्या बन जाओ? कहा गाय बन जाओ और गौतम ऋषि के सामने खड़े हो जाओ। जब वो वन से आएंगे तब वो तुम्हें कुसास छुमाएंगे या हाथ से स्पर्श करेंगे तो तुम अपने वहीं पर प्राण छोड़ देना, तो उन्हें गौ हत्या लग जाएगी। और जब गौ हत्या लगेगी तो गौतम ऋषि को जब गौ हत्या लगेगी तो उस व्यक्ति को पूरे नगर से निकलना पड़ेगा, आवाज देते हुए, मैं गौ को हत्यारा हूं, मैं गौ का हत्यारा हूं, मैंने गाय को मार दिया, ये बोल के निकलना पड़ेगा। गणेश जी ने एक चोट मना तो किया, लेकिन ऋषियों के कहने पर गणेश जी मान गए और एक गाय का रूप धारण करके पहुंच गए। गाय बन तो गए, गौतम ऋषि वहीं से चले आ रहे थे। एक कुसा का थोड़ा सा स्पर्श किया है। अरे उन ऋषियों ने तो यह भी कहा था कि अगर वो शब्द मुंह से अगर बोल दें हट, तो तुम उतने में ही चली जाए, उतने में ही प्राण छोड़ देना। और महाराज, जैसे कुसा छुबाई गौतम ऋषि ने, वैसे ही यहां पर वो गाय ने अपने प्राण छोड़ दिए। जब प्राण छूटे तो इन्हें गौ हत्या लग गई। अब जब गौ हत्या लग गई तो अब इनको चिंता हो गई, उदास हो गए। ऋषि पहुंचे और कहने लगे कि तुम्हारी ये गौ हत्या तभी मुक्त होगी, तुम सारी पृथ्वी का एक चक्कर मार के आओगे, सारा चक्कर लगा कर आओगे, और कहते जाना मैं गौ हत्यारा हूं, ऐसे मौन धारण करके नहीं जाना। गौतम ऋषि बड़ी चिंता में हो गए, बड़ी चिंता करने लगे। महाराज, जब गौतम ऋषि बड़े हैं और बस कहते जा रहे हैं मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, मैं गौ हत्यारा हूं, इन्होंने जैसे कहा मैं गौ हत्यारा हूं, और परिक्रमा करके आए, भगवान शिव से रहा नहीं गया और मेरा महादेव वहां पर प्रकट हो गया। त्र्यंबकम् गौतमी, आज उन्होंने महादेव को प्रकट कर लिया। और महादेव कहते हैं वो कोई नहीं था, वो तुम्हारी परीक्षा थी, और आज मुझे यहाँ पर गौतम ऋषि ने यहाँ पर त्र्यंबकम् के रूप में यहाँ विराजमान किया है, इसलिए मैं गौतमी तटे, माने गौतम ऋषि ने इनकी स्थापना करी, इसलिए इनका नाम पड़ गया भगवान त्र्यंबकेश्वर। बोल त्र्यंबकेश्वर भगवान।